नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे राम भक्तों का उत्साह और अधिक बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में मानो त्रेता युग सा माहौल उत्पन्न हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहां तक कि पीएम मोदी लगातार देश भर की गायकों के द्वारा गाए गए राम भजनों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर भी कर रहे हैं। और इसी क्रम में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगर स्वस्ति मेहुल का राम भजन सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। स्वस्ति मेहुल का राम भजन, राम आएंगे भजन, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया वैसे ही सिंगर काफी ट्रेंड होने लगी। आपको बता दें कि स्वस्ति मेहुल वर्तमान में बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम करती हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। कहा जाता है कि इनके संगीत के प्रति रुचि बचपन से ही पैदा हो गई थी। स्वस्ति मेहुल हिंदी और पंजाबी गानों में अपने जौहर दिखा चुकी हैं और हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। स्वस्ति, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी और आपको बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगी कि राम भजन को लेकर इस समय जो आप ट्रेंड कर रही हैं, आपका भजन बार बार सुना जा रहा है और मैंने भी वो भजन सुना है। बेहद सुंदर, बेहद खूबसूरत आपकी आवाज़ है और वाकई कानों को सुकून देने वाला है और इस समय तो माहौल भी है। बहुत स्वागत करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए अपने मधुर भजनों से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी, थैंक यू सो मच। तो मैं बहुत खुश हूँ और खासकर इन शब्दों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे लिए लिखे अपने ट्वीट पर। तो शुरू करती हूँ भजन से जो मैंने खुद लिखा हुआ है और इसे मैंने ही कंपोज किया है। जी। धर्म सनातन ध्वज के सरिया, जय जयकार गूंज श्री राम की, घर घर दीप जले स्वागत में, आए देखो श्री राम जानकी की, ईट ईट जोड़ हमने मंदिर बनाया, घर घर अयोध्या का आज जगमगाया, नटर की रुचि पल ना सुना, द्वार मेरे राम आए, मैंने भावों से प्रभु को बुलाया, द्वार मेरे राम आए। जी, बहुत खूबसूरत स्वस्ति, और जिस तरह से आपने खुद इस भजन को लिखा है, खुद आपके बोल हैं और आपकी आवाज़ से ये सजा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप स्वरों के क्षेत्र में तो है ही, पर भगवान श्री राम के भजन को लेकर प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे तैयार होता है? और दूसरी बात ये कि क्योंकि 22 जनवरी का समय अब बहुत नज़दीक आने लगा है और ऐसे में जब आपका भजन लाखों करोड़ों कानों तक पहुँचता है, ट्रेंड करता है, तो कैसा आप महसूस कर रही हैं इस समय? तो जब मुझे पता चला था कि हमारे राम लला का मंदिर बनने वाला है, इतना भव्य आयोजन होने वाला है, तो मैं एक कलाकार के जरिए क्या अपना योगदान दे सकती हूँ, तो एक थॉट आया था कि व्हाई नॉट राइट अ राम भजन। मैंने और भी गाने लिखे हुए हैं जो लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, बहुत लोगों के दिलों को छुआ है। जी। तो उसी सोचते हुए मैंने ये भजन लिखा और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और जब भी मैं लिखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी कोई उसे सुने, कोई भी जब कभी भी सुने तो उसे ये लगे कि वो उसकी भाव है, वो उसके शब्द, मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जी जी, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। एक बहुत और पॉपुलर गाना आपके स्वरों से सजा है, राम आएंगे, और बहुत पॉपुलर भी है और इस समय का जो माहौल है बिल्कुल मैच करता हुआ है, सीधे भगवान से कनेक्ट करता है, भावों को जोड़ता हुआ गाना है। मैं चाहूंगी कि वो भी आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। जी जी, उसकी भी मैं आपको दो लाइन सुनाती हूँ। मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग आएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे, मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग आएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे, राम आएंगे तो सब मनाएंगे, राम राज का ध्वज लहराएंगे, ओ जय जय श्री राम से विश्व गूंजेगा जब राम आएंगे,
राम आएंगे तो पार लगा जाएंगे, राम आएंगे। बहुत खूबसूरत और आपकी इतनी प्यारी आवाज, और उसके बाद जो राम भजन आपकी आवाज में सुनते हैं तो वाकई प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आपकी आवाज की, आपकी गायकी की और साथ ही साथ आपने जो कंपोज किया उसकी तारीफ की है, वो वाकई बिल्कुल सही तारीफ की है। मैं आगे बढ़ूंगी और दो बहुत खूबसूरत भजन तो आप हमारे दर्शकों के लिए लाए हैं, पर मैं चाहूंगी कि आज केवल एक जो प्रधानमंत्री ने शेयर किया वो तो ट्रेंड हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी आपने जो कुछ भी भाव अपने शब्दों के माध्यम से उकेरे हैं वो तमाम हमारे दर्शकों तक पहुंचे। एक और आपका भजन है, मेरे सरकार आए हैं, मैं चाहूंगी कि वो और इसके साथ ही साथ इन दिनों जिस समय में हम सभी मिलकर इंतजार कर रहे हैं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उस दिन का, उसमें आप सबसे ज्यादा क्या पसंद कर रही हैं, आपका मन क्या करता है गुनगुनाने का? ये मेरे नए गाने की कुछ शब्द हैं जो बेहद करीब हैं और जो मुझे तो बहुत बहुत पसंद है। उसकी मैं दो लाइंस इसी गाने का एक पार्ट है जी। काट विकट वनवास की बेला, बढ़े अयोध्या की ओर कदम, घर घर दीप जले स्वागत में, देखो आए सिया राम लखन, देखो आए सिया राम लखन। और एक भक्त के क्या भाव है, एक नजर कृपा की करना, खड़े तुम्हारी राह में, हम ही सबरी हम ही के बट, तुम दर्शन की चाह में, बस तुम दर्शन की चाह में। जय श्री राम। बहुत खूबसूरत स्वस्ति, बहुत खूबसूरत। और आप समा बांध देते हैं अपने भजनों से, भगवान श्री राम के भजन तो इस समय ट्रेंड कर ही रहे हैं, आप लगातार एक के बाद एक भजनों को अपनी आवाज दे रही हैं, लेकिन उसके अलावा कृष्ण भक्ति को लेकर भी आपने बहुत प्यारे प्यारे बहुत खूबसूरत से भजन गाए हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के ही दोनों ही अवतार हैं, चाहे भगवान श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, तो मैं चाहूंगी कि जब भक्ति के रंग में हम रंगे हैं तो आपके सुरों के भी अलग अलग रंग हमारे दर्शकों को देखने को सुनने को मिल जाए। सो मेनी सॉन्ग्स ऑन माय यूट्यूब चैनल, वहां भी सुन सकते हैं, क्योंकि अब चलो कृष्ण जी की बात हुई है तो श्री कृष्ण के लिए दो लाइनें जो मेरे बहुत करीब हैं और लोगों ने इतना प्यार दिया है। ये मधुराष्टकम है जिसे मैंने हिंदी अनुवाद कर अपने चैनल पर डाला था जी। हे कृष्ण तेरे होंठ मधुर है, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है, चाल मधुर, मेरे कृष्ण तुम ही सर्वस्व मधुर, मधुराधिपति सर्वस्व मधुर। ओके जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। थैंक यू सो मच स्वस्ति। तो जिस तरह से हमारे साथ स्वस्ति लगातार बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ, बहुत ही प्यारे और सुमधुर भजनों के साथ हमारे कार्यक्रम में स्वर यात्रा पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ आपने सुना किस तरह से स्वस्ति मेहुल जो है, जिनको लेकर प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया है, उनका गाना शेयर किया है, समय ट्रेंड भी कर रहा है, हमारे साथ जुड़ी हुई थी और बहुत ही सुमधुर भजनों के साथ हम इस बार यात्रा पर लेके गई, बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। और इसी के साथ 22 जनवरी 2024 का इंतजार जो हम सभी कर रहे हैं, आए दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री खुद इसे शेयर कर रहे हैं और इन भजनों में जब हम रम जाते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के और करीब पहुंच जाते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।